असम के व्यूवर्स, यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि सऊदी अरब की तजारती जहाज़ को बहीरा अहमर में जो हौसी यमन हौसी बागी हैं उनकी जानब से निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिसको नाकाम बना दिया गया। पिछले काफ़ी अरसे से जो है वो हौसी मलेशिया की जानब से बहीरा अहमर में आलमी तजारत और जहाज़रानी की सरगर्मियों को मुसलसल नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा भी सऊदी अरब में जो है वो मिज़ाइल, बैलिस्टिक मिज़ाइल, ड्रोन हमलों में शिद्दत आ चुकी है। लेकिन जो अरब इत्तेहादी अफवाज है वो बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए इन हमलों को नाकाम बनाने में कामयाब है अब तक, और इसे कोई जानी नुकसान या इतनी बड़ी तादाद में नहीं देखा गया। यहाँ मैं आपको बताऊँ, सऊदी अफवाज ने एक बार फिर बहीरे अहमर में जहाज़ को तबाह करने के लिए जो भेजा गया ड्रोन हम था उसको तबाह कर दिया है और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। चार रोज़ कबल भी जो है वो जाज़ान के इलाके में बड़ी तबाही फैलाने का जो है वो एक मंसूबा बनाया गया यमन की हौसी मलेशिया की जानिब से, और बड़े पैमाने पर जो है वो एक ही रोज़ में चार बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। दो बारूद बरदार ड्रोन्स भी भेजे गए, लेकिन सऊदी फजाइया ने जो है बड़ी ही मुस्तैदी से, बड़ी ही महारत से तबाही फैलाने वाले मिसाइल और ड्रोन्स को रास्ते में ही तबाह कर दिया। और एक दफ़ा फिर जो है वो हौसी मलेशिया की जानिब से जो बनाया गया हदफ था आलमी जहाज रहने की सरगर्मियों को नुकसान पहुँचाना, वो नाकाम हो गया है और इस ड्रोन को भी जो है वो नाकारा बना दिया गया है, इसको भी नाकाम बना दिया गया है। तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी ममलिकत पर ड्रोन्स, गोले और मिज़ाइल दागे जा रहे हैं हौसी मलेशियाओं की जानिब से, और खुशकिस्मती ये है कि ज़्यादातर जो हमले हैं वो नाकाम ही जा रहे हैं, ख़ासकर इसमें कोई जानी नुकसान नहीं रिपोर्ट हो रहा। मज़ीद अपडेट भी आपको देते रहेंगे, हमारा यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, फीडबैक देते रहें।